गाइस, आज हम सीखेंगे 240580000 इंस्टॉलेशन कैसे होता है। ये पार्ट्स एक्चुअली ये ब्रास वाला पार्ट है, इसमें एक रॉड है और ये ब्रास वाला पार्ट है। इसके आगे इसे हम एक्चुअली टाइट होके ही आता है और उसके बाद हम ये ब्लैक वाला चार स्क्रू पे लगाते हैं। ये इजीली है, जैसे नॉर्मल डायवर्टर में लगता हुआ ये, इसे हमें ये टाइट पोजिशन में रखना है। उसके बाद एक रेड वाला लॉक आया होगा इसके साथ में। गाइस आप देखोगे यहाँ पे दो एरो होगा, नजदीक दो यहाँ पे एरो है और ये स्लॉट बना हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे इसको ऐसा पुश करना है, ये इस स्लॉट में जाएगा यहाँ पे और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। ये घुमाने के बाद एक लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आप देखोगे गाइस ये पहले से ना अंदर का जो रॉड है ना वो दबे हुए पोजिशन में ही है, दबा हुआ पोजीशन में ही। आप चालू करो ना, इसमें पानी मोटर आ रहा है, इसमें पानी आएगा ऊपर की तरफ। ये देखिए ये दबे हुए पोजीशन में हमको उसको वैसे कटिंग करना है। स्टॉप कर, स्टॉप गाइस, देखो इस तरफ ये कट करना है हमें। आई स्टॉप किया। गाइस देखिए कट होने के बाद ये बाहर आ गया है। एक्चुअल में जब मैं पूछता तो ये चालू हो रहा था, अब ये चालू नहीं होगा। अब ये पाव भी चालू होगा, आपका हैंड फोर एट चावल चालू नहीं होगा। तो हमारा कटिंग इस तरह होना चाहिए, ये बंद पोजीशन में होना चाहिए। देखिए दम होने के बाद ये पानी ऊपर ऑन होना चाहिए, नीचे निकल तो ये बाहर आना चाहिए। तो ये ऑफ पोजिशन में आपको करना चाहिए लॉक, उसके बाद ये निकालना है। ये आपकी कटिंग पोजिशन ये वाला है, इसमें इतना सा कट वाला है, ये इस तरह कट होता है। स्टॉप करो गाइस, देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मली 1.5 mm की एलंकी है, दिखा जा रहा है कहाँ पर है। बुक में भी बताया होगा एक बार एलंकी कैसे 2 mm की है। मैं सॉरी आपको 1.5 mm की बताया, 2 mm की एलंकी है जैसे बुक में बताया। तो ये आपको लूज करके देखना है, लूज है या टाइट है, तो लूज करके लेना है। उसके बाद में ये वाला जो कटिंग पार्ट है ये इसको ऐसा बिठाना है। बिठाने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये अपना ठीक है, बंद करो। गाइस अगर आप ऐसे करोगे ये फिट नहीं कर पाओगे, आपको टाइट करने नहीं होगा। तो इसका एक पोजीशन है, आप इसको पहले डाल लो, फिर ये वाला आपका दिख रहा है आपको रॉड और ये लूज है यहाँ पे, देखो एलंकी देखा, ये वाला आपको ये फिट करके लेना है। इसमें ये आपकी एलंकी को आप अभी ये टाइट करके ले लो इसमें, ये फिट हो गया इसमें। उसके बाद में ये पुश हो गया, ये आपका वर्क होगा, अभी ये खत्म हो गया इसका। स्टॉप कर, इसके बाद ये किया जैसे प्लेट, इसके बाद ये पुश होगा इस तरह। फिर उसके बाद नॉर्मली हम जो डायवर्टर लगाते हैं 3 mm पे, वही लीवर इसके साथ में ये लगाना है हमें। सिंपल है। अभी देखिए आप कट टू कट इसमें कटा हुआ है, आपको ये लॉक ध्यान रखना है। इसमें 3 ही है चीज़, ये जो सब ध्यान रखना है आपको। और ये अभी आपका देखिए ये पहले यहाँ पे स्टार्ट है, उसके बाद में ये मैंने यहाँ पे पुश किया, ये पानी ऊपर आ रहा है, उसके मैंने बन के ये बाहर आ गया, डन हो गया।